तो यार बहुत दिनों से कॉस्मेटिक की वीडियो नहीं आ रही थी, उस पर ब्रेक लगा हुआ था कि कौन सा ओरिजिनल फेक या कुछ भी कॉस्मेटिक के ऊपर नहीं आ रही थी। लोगों की डिमांड्स भी थी कॉस्मेटिक की वीडियोस पे कि इस तरह के बनाए जाए, मगर चूंकि किसी वजह से ब्रेक लगा हुआ था, लेकिन फ्लिपकार्ट वालों के पूरे सपोर्ट और सहयोग के साथ एक वीडियो बनाने का मौका मिला, तो सोचा कि इस मौके को ना छोड़ा जाए। अगर फ्लिपकार्ट वाले इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो बना ही लिया जाए। उन्होंने क्या सपोर्ट करा है, मेरे दोस्त ने ऑर्डर किया था, बहुत महाबचत, बिग बिलियन डे सेल, दिवाली सेल, ये सारी चल रही थी, तो उन्होंने इतना ज़बरदस्त सपोर्ट किया। मेरे दोस्त ने मंगाया था तकरीबन 50% पे, दो चीज़ें मिली हुई थी, ये दोनों चीज़ें मिली थी 50% पे, तकरीबन अमाउंट था ये 300 का मिला था उन्हें ऑनलाइन, और एक की प्राइस है 350 और एक की प्राइस है 250 है, मे भी इसकी प्राइस आप देख लो 350 है और इसकी प्राइस जो है वो 250 है। हाँ, ये थोड़े गोल्ड लाइन में है तो चमक रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि उसे जो मिला वो 300 में मिला है, 50% 350 होता है। चलो कोई बात नहीं, 300 में तुमने खरीद लिया, फ्लिपकार्ट वाले ने बहुत सस्ता दिया, दुकानदारों की ले ली, छोटे दुकानदारों की कोई बात नहीं है, तो तुम लोगों की भी तो अच्छे से लिए भाई। इसको लगाने के बाद क्या होगा कि अच्छी खासी लड़कियाँ बेचारी जो ये कहती फिरेंगी, पहले मैं बहुत ही ज़्यादा काली थी, जब से मैंने फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट यूज़ किया मेरी ज़िंदगी में आया तब से मैं एकदम चमकली हो गई, अभी मुझे क्या है कि बहुत सारे कमाल की चीज़ें मैं कर लेती हूँ, उसको लगाने के बाद मैं दिन को कभी भी रात कर देती हूँ, मैं हमेशा रात ही रखती हूँ दिन को, किसी भी उजालेदार कमरे में चली जाऊँ तो वहाँ रात हो जाता है इसको लगाने के बाद। तो भैया इसमें ऐसा क्या है, खोल के देख लेते हैं प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट खोल के देख लें, इसके अंदर जो इन्होंने किट भेजी है ये रही किट। असल में मैंने उस पर ध्यान दिया कि इसमें इन्होंने भेजा क्या है, तो सिंपल से है, दुनिया भर की चीज़ें मैंने देखी नहीं, मैंने सिंपल इनके पाउच खोले और इनका ट्यूब खोला, ठीक है, और ये ओरिजिनल जो हमने लिया है इसका पाउच मैंने खोला, इसको अगर मिक्स भी हो जाए तो कोई नहीं, हम पकड़ लेंगे, ठीक है। आप इसके ओरिजिनल वाले के पाउच देखो किस तरह के हैं, सारे पाउच को सीधे करो, इनके पाउच को सीधा करो, ट्यूब हटा दो इधर, ये देखो ओरिजिनल वाले के पाउच आप देख लो, इसकी प्योरिटी एंड क्लियरिटी नंबर 5, भाई बेटा तुम्हें 5 का है, नंबर 3 नंबर वो, हालांकि सब एक जैसे हैं, ये देखो ये दोनों प्रोडक्ट हैं, नंबर 5 के प्रोडक्ट हैं। इसका अगर आप हाथ में लेके देखो, यहाँ पे जो लाइट की शाइन हो रही है तो यहाँ पे वाइट वाइट दिख रहा है, ठीक है, ये और ये तो खैर वाइट है, ये प्योर, इसकी क्वालिटी और जो प्रिंट है ये बहुत बेहतरीन है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी, आपको लगता है कि किसी ब्रांड वाले ने पैक किया इसको, ठीक है, मगर इसको आप देखो कि हाथ में एकदम रफ़ है, आपको इसमें थोड़ा वाइट दिख रहा होगा, यहाँ पे एकदम रफ़ है, एकदम बेकार है, और इसकी जो राइटिंग है आप इसमें देख सकते हो, राइटिंग इसकी ये सारे फेडेड राइटिंग है, पूरी फेडेड है, यहाँ पे देखो ये फैली हुई राइटिंग है और ये जो भी है वो डबल लेयर्स हो रही हैं, तो ये सारी टोटल फेडेड है पूरी, और आप इसको देख लो यहाँ पे ये किस तरह की राइटिंग है, आप पूरा आसानी से पढ़ सकते हो, कहीं फेडेड नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात है। और इसके अलावा चलो ये हो गया, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, इसमें वन बाय वन करके देखोगे, आपको थोड़ा करीब से दिखाऊं शायद कुछ दिखाए, तो ये अजीब टाइप का इसका जो कलर है, बहुत ही मतलब आपके हाथ में होगा ना तो आप देखते ही जान जाओ कि यार ये थोड़ा सा वो है। बाकी रही ये ट्यूब की बात, ठीक है, ये दोनों ट्यूब है, इस ट्यूब में क्या हुआ कि मैंने जब ट्यूब चेक करी है तो इसको मैंने ऐसे किया रब, तो ये बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट है जो कि ओरिजिनल है मेरे हाथ में राइट साइड में, और ये जो है लेफ़्ट साइड में, तो ये थोड़ा सा मुझे हल्का हल्का सा वो लगा कि इसके अंदर कुछ वो हो रही है, मैंने वो लगा वो हो रही है, पता नहीं कुछ बता भी नहीं रहा ढंग से मैं कि वो लगा क्या वो हो क्या रही है खैर लेकिन एनीवे इसको मैंने क्या किया कि मैंने अपने नेल से इसको थोड़ा सा खुरचने की कोशिश करी थी, तो इस कोशिश में मैं थोड़ा सा कामयाब हो गया था, ठीक है, हाँ इसको खुरचने पर जो हो रहा था ये मिट रहा था धीरे धीरे, आप इसे देख सकते हो, देखो यहाँ पे देखो आप, ये मैंने अभी आपके सामने खुरचा हुआ, ये मिट रहा था, ये धीरे धीरे मिट रहा था मेरे खुरचने पर, ठीक है, वो देखो मिट गया, 0-3 वगैरह जो कुछ भी है ये मिट गया। अभी मैं चलो एक को भी मिटाने की कोशिश करता हूँ, सोच रहा हूँ कहीं निकल ना जाइए इधर से, और चूँकि मेरे नाखून भी नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल मैंने आपके सामने ही मिटा करके दिखाया है, जो कुछ भी मिटा है इसके अंदर, तो ये इसके अंदर स्क्रैच हो जा रहा है, मतलब ये मिट जा रहा है, देखो मेरे नाखून के निशान भी आ रहे हैं और ये मिट रहा है, ये सारी राइटिंग मिट गई है। ओरिजिनल वाले को हम देख लेते हैं, यार इसको कुछ भी करो इसमें मिटेगा नहीं, क्योंकि मसला ये है कि ये बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ है, इसमें से कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा, इसको ढंग से मैं आपको दिखा देता हूँ, हाँ देखो इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, और इसको मैंने इतना जो स्क्रैच मारा है मेरा, हालांकि नाखून भी नहीं है तो इस पर स्क्रैच मारने से ना ये मिट गया है। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको करके दिखाया है, फेस वाश वगैरह में किसी में मैंने मिटा के दिखाया है, ठीक है, तो ये इसमें मिट जाता है। एक ट्राई और एक चीज़ की कर लेता हूँ मैं, शायद काम कर जाए, अगर करता है तो, नहीं करता है तो कोई बात नहीं है, मैं इससे ज़रा मिटा के देखूँ इसको क्या होता है।
देख लेते हैं आपके सामने, हल्का हल्का सा लाइट हो रहा है। हाँ ये आप देखो इसको, ये धुंध पड़ रही है इस पर, मगर इस पर नहीं होगा, इसको तो घिस डालेंगे तब। ये देखो उस पर आया है कार्बन उसका, जो मैंने पहले वाले को छुड़ाया नहीं हो रहा है। इस पर कुछ नहीं होगा, मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ सामने, ठीक है। ये पूरी तरह लिखा हुआ रहेगा, ये देखो इस पर कुछ नहीं होगा यार। तो फिलहाल इतना मैंने मतलब देखा है, एक समझदार इंसान के लिए बहुत सारी चीज़ें तलाशने की ज़रूरत ना है इसके अंदर। आपको सिंपल जैसे ही ये हाथ में आएगा, ये दोनों नहीं आए, आपको दोनों की ज़रूरत नहीं है, एक ही आपके हाथ में आएगा, जैसे ही आप वैसे इसे देख के जान जाओगी कि यार ये तो अजीब सा लग रहा है, एकदम थोता चना बाजे घना हो गया एकदम से, मतलब ये क्या भेज क्या दिया है यार, स्पम है साला भर के दे दिया है। वाह, मतलब आप इसको देखोगे मतलब समझ जाओगे कि यार ये फेक है, ये डुप्लीकेट है, वैसे ही पता चल जाता है, और ये ओरिजिनल है। तो आप इसे देख सकते हो किस तरह से ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। देखो ऑनलाइन कोई भी चीज़ इतनी सस्ती नहीं है, इस तरह से नहीं होता कि दुकानदार को सारे जो है लूट रहे हैं, ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है, भाई आप उसे पहचान नहीं सकते हो, बहुत ही बारीकियाँ होती हैं। ये तो बहुत सारा आसान था देखने के लिए, इतनी बारीकियाँ होती हैं, मैंने बताया भी इससे पहले, मेरी वीडियो सारी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, देख सकते हो अलग अलग तरह की कॉस्मेटिक पर बारीकियाँ ऐसी होती है आप नहीं पहचान सकते कि इसमें क्या है। तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, ऑनलाइन कुछ चीज़ें इतनी सस्ती कोई घर से नहीं देता है। ब्रांडेड आइटम हमेशा इतना ज़्यादा डिस्काउंट कभी भी नहीं देंगे, इसके बारे में बाद में बात होगी। फिलहाल ये वीडियो आप सावधान रहें, आप देख करके खरीदें, ऑनलाइन भी खरीद रहे हैं तो आप बहुत ही सावधानी के साथ खरीदें, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ें ऑनलाइन में, जो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे, जो इतना ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है तो आप उस पर देखोगे डिस्क्रिप्शन में कोई डिटेल नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया की है क्या है कुछ भी डिटेल नहीं है उसके अंदर सिंपल, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप खरीदें तो ज़्यादा ही बेहतर होगा।